शाही रविवार को बनाइए चिकन महारानी। चिकन खाने में भले ही एक ही जैसा लगता हो, बट अलग अलग तरीके से बनाने से इसका स्वाद और भी बदल जाता है। और संडे यानी कुछ स्पेशल पराठा या चावल के साथ खा सकते हैं चिकन महारानी की ये रेसिपी। तो चलिए फैन बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम चिकन लिया है। यहाँ पे मैं दे दूँगी 3 चम्मच दही, 2 चम्मच कस्तूरी मेथी, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसको ढककर हम 2 घंटे तक मेल्ट होने देंगे। अब चलते हैं मसाले बनाने की तरफ। यहाँ मैंने लिया 1 प्याज, 6 लहसुन की कलियाँ, 4 हरी मिर्ची और 4 अदरक के टुकड़े। इन सारों मसालों का हम पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमने बना लिया है। यहाँ पर मैंने लिए 10 आलमंड, 1 चम्मच काजू और 1/2 कप दूध लेके इसको हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। नेक्स्ट मैंने लिया 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 2 चम्मच मौरी। इन सबको तवे में दे के हम हल्का फ्राई कर लेंगे। हल्का फ्राई करने के बाद इनका हम पाउडर बना लेंगे। यहाँ पर मैंने गैस में कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई गर्म होते मैं इसमें दे दूँगी 3 बड़ी चम्मच रिफाइंड ऑयल। तेल को हम गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, मैं यहाँ पे 2 बारीक कटी हुई प्याज दे दूँगी। देख के इसको रेडिश ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ऑनियन का कलर चेंज हो चुका है। हमने जो ऑनियन जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाया था वो उसमें दे देंगे। देखिए मसाले की स्मेल जानते इसको हम फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पे मीडियम रखना है। हमें तब तक फ्राई करना तक मसालों की स्मेल चली ना जाए। सो फ्रेंड मसालों की स्मेल जा चुकी है अच्छे से। अब मैं यहाँ पे मैरिनेट किए हुए चिकन दे दूँगी। देखिए मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम ढक के इसको कुक होने देंगे अच्छे से। 4 मिनट बाद हम ढक्कन हटा के देखेंगे चिकन जो हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है। हमने जो जीरा धनिया और मोरी का पाउडर बनाया था वो उसमें दे देंगे 2 चम्मच। देखकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हमने जो बादाम का पेस्ट बनाया था वो उसमें दे देंगे। दे दूँगी मैं यहाँ पे 1/2 कप दूध। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैं यहाँ पे दे दूँगी 1/4 स्पून नमक, 1 स्पून कस्तूरी मेथी, 1 स्पून जीरा मोरी का जो हमने फ्राई किया था वो पाउडर दे देंगे। देख के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। याद रखें हमने मैशरूम के टाइम पे नमक दिया था, इसलिए मैंने कुकिंग के टाइम नमक कम यूज़ किया है। इसको ढक के 1 मिनट तक कुक होने देंगे। 1 मिनट हो चुका है। चिकन हमारे पूरी तरीके से अच्छे से कुक हो चुकी है। चिकन महारानी बनने के बाद बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आप देख सकते हैं। कलर भी बहुत ही ब्यूटीफुल आया है। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1 स्पून चिली फ्लेक्स। हम गैस बंद कर देंगे। इसको हम ढक के और हम 5 मिनट तक रख देंगे। 5 मिनट बाद हम गर्म गर्म सर्व करेंगे चावल चपाटी, आप जिसके साथ खाना चाहे उसके साथ। तो फ्रेंड्स बन के तैयार हो चुकी है मेरी आज की रेसिपी चिकन महारानी। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिए।